फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज कुछ में हम बात करने वाले हैं कैशी पाई पर आप कैसे मोबाइल सेल कर सकते हो। इसका मुझे एक मोबाइल बेचने का एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद नीचे आप ऐसे देख सकते हो ऑर्डर्स का ऑप्शन है। मैं स्क्रीन पर देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S20 Plus मोबाइल मैंने सेल किया था यहाँ से कैशी पाई इस एप्लीकेशन की मदद से, जो कि पिकअप सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर स्टेटस देख सकते हो पिकअप कंप्लीटेड। तो इस तरीके से तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी कैशी पाई से मोबाइल सेल करना चाहते हो तो कौन सी प्रोसेस रहती है, कैसे आपको मोबाइल सेल करना है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ से कितना अमाउंट मुझे मिला है, और साथ ही यहाँ से पेमेंट मोड आप ऐसे देख सकते हो, किस डेट को मेरा मोबाइल पिकअप किया गया है इसकी डेट भी आप ऐसे देख सकते हो। सी डिटेल का ऑप्शन है, आप यहाँ से एक्स्ट्रा डिटेल भी देख सकते हो। अभी फिलहाल मैं आपको बताऊंगा सिर्फ कि अगर आप मोबाइल बेचना चाहते हो तो कौन सी प्रोसेस है, किस तरीके से आपको यहाँ पर मोबाइल बेचना है, और आपका मोबाइल बेचते समय कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन की मदद से आपका सेकंड मोबाइल बेचना नहीं आता तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है, तो उस वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहली बात, मोबाइल सेल करने का तरीका कौन सा है। सबसे पहले आपने जब भी यहाँ से सेल करने के लिए मोबाइल अपलोड कर देते हो, मोबाइल की डिटेल अपलोड कर देते हो, उसके बाद आपको डेट चॉइस करने का ऑप्शन आ जाता है कि कौन सी डेट को आपको मोबाइल सेल करना है। अगर मोबाइल सेल करने का तरीका आपको नहीं पता तो उस पर वीडियो बना कर रखा है, उसकी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से आपने जो भी डेट सिलेक्ट की है और आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पर आपको कॉल किया जाता है। आपको कॉल के माध्यम से पूछा जाता है कि आपका मोबाइल आप सेल करना चाहते हो तो आप कौन से टाइम पर आना चाहते हो मोबाइल सेल करने के लिए देने के लिए। तो आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, और साथ ही अगर आप थोड़ा जल्दी मोबाइल सेल करना चाहते हो तो उनका कॉल आने के बाद आप कौन सी भी डेट और कौन सा भी टाइम को आपका मोबाइल सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक डेट सिलेक्ट कर ली है यहाँ पर तो आप उसके पहले भी मोबाइल सेल कर सकते हो, लेकिन उनका कॉल आने के बाद यानी कि उनका नंबर आ जाता है आपके पास तो आप उनसे बात कर सकते हो कि मुझे थोड़ा जल्दी मोबाइल बेचना है, तो आप जल्दी आ सकते हो या नहीं। तो उनका बॉय आ जाता है तो उनकी तरफ से आपका मोबाइल चेकआउट किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि किस तरीके से आपका मोबाइल चेक होता है। आपने मोबाइल सेल करते समय जो भी इंफॉर्मेशन डाली है आपके मोबाइल से मैच होती है या नहीं, उनकी तरफ से चेक किया जाता है। 5 मिनट के अंदर आपका मोबाइल चेक किया जाता है, उसके बाद उनको लगा मोबाइल अच्छा है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली थी वो सही सही है, तो आपका मोबाइल लिया जाता है। अगर आपने थोड़ी कम इंफॉर्मेशन डाली है, जैसे कि आपके मोबाइल पर थोड़े एक्स्ट्रा क्रैशेज है और आपने कम डाले हैं, नहीं तो आपका बैक पैनल या से कहीं भी डैमेज है आपने नहीं डाला, तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है, जैसे कि साउंड काम नहीं करता इस तरीके से, और आपने जो मोबाइल बेचने के लिए आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो उस समय वो प्रॉब्लम नहीं डाला तो आपकी प्राइस थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पर वो फिर से एडिट करते हैं कि आपको कितनी प्राइस देनी चाहिए, जैसे कि हम यहाँ से सेल करते समय हमको पता चल जाता है कि हमारा मोबाइल कितने में बिकने वाला है, तो वो फिर से एक बार चेकआउट करते हैं कि कितनी प्राइस देनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर उतनी प्राइस पर अगर आपको मोबाइल बेचना है या नहीं वो आपको पूछते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हाँ कह सकते हो। आपको यहाँ पर तुरंत इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर पेमेंट मिल जाता है, नहीं तो पेटीएम वॉलेट पर आपको पेमेंट मिल जाता है। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट लेना चाहते हो सबसे पहले आपको पेमेंट आएगा, उसके बाद आपको मोबाइल रिसीट कर उन्हें देना पड़ता है। तो इस तरीके से सिंपल प्रोसेस है। तो आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो उनके बारे में मैं थोड़े से आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्द मोबाइल बेचना है तो आप बेच सकते हो या नहीं। सबसे पहले इसका आंसर है, आपको ऐड डालनी है। ऐड डालने के बाद आप जो भी डेट सिलेक्ट करते हो उसके पहले दिन नहीं तो उसके पहले भी आपको कॉल आ सकता है। कॉल आने के बाद आप उनसे पूछ सकते हो मुझे थोड़ा ज़्यादा मोबाइल जल्दी मोबाइल बेचना है, तो आप थोड़ी जल्द आने की कोशिश करते हो, वो जरूर आ जाते हैं मोबाइल लेने के लिए। चेकआउट कर आपको मोबाइल लिया जाता है। अगर उनको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ जाता है और वो मोबाइल खरीदते नहीं तो आपको कुछ भी पैसा नहीं देते, वो निकल जाते हैं और आपका मोबाइल आपको दे देते हैं। इस तरीके से भी होता है। तो एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका होगा कि आपको मोबाइल बेचना है तो आप जल्द भी बेच सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हमने कुछ कम जानकारी डाली है और हमारा मोबाइल उससे ज़्यादा यानी कि उससे ज़्यादा कुछ खराबी है हमारे मोबाइल में, और हमने जानकारी डालते समय कम जानकारी डाली है तो हमारी प्राइस उतनी ही रहेगी या कम होगी, तो आपकी प्राइस कम कर आपका मोबाइल लिया जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ।
आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है उनको फिर से ये चेक कर लेते हैं, यानी कि जो भी बॉय आता है अच्छी तरीके से मोबाइल चेक कर कर लेता है, अगर उनको लगता है कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो उसके भी पैसे काट लिए जाते हैं, और काटने के बाद कुल मिलाकर कितनी प्राइस बनती है वो आपको बताई जाती है, उसके बाद आपका मोबाइल लिया जाता है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। और तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कि मोबाइल बेचने की या से प्रोसेस कौन सी है, बेस्ट प्रोसेस कौन सी है। तो सबसे पहले आपने ऐड डाली, उनकी तरफ से कॉल आएगा, आपको बताया जाएगा कि कब आना है, उनका मोबाइल नंबर आ जाता है, आप उनको लोकेशन बता सकते हो कि इस जगह पर आ जाओ, हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर जाकर आपको उन्हें कॉल करना है, जो भी लोकेशन आपने दिया है उस लोकेशन पर वो पिकअप बॉय आ जाता है, उसके बाद उसे मोबाइल दिखाना है, वो अच्छे से चेकआउट कर लेता है, उसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसकी प्राइस आपको बता देता है कि इतनी प्राइस फिर से कम हो सकती है, कम ज्यादा इस तरीके से। तो उसके बाद अच्छी तरीके से चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पर बताया जाता है कि इतनी प्राइस दी जाएगी आपको, तो आपको अच्छा लगे तो आप मोबाइल बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, नहीं तो आप फिर से अपना मोबाइल ले सकते हो। इस तरीके से प्रोसेस है, सिंपल से चेकआउट कर। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल देने से पहले आपको पेमेंट रिसीव हो जाता है, उसके बाद मोबाइल रिसीव कर वो ले जाते हैं। इस तरीके से सिर्फ 5-10 मिनट की प्रोसेस है और आप अपना मोबाइल कहीं भी बेच सकते हो इस तरीके से। और एक सवाल बहुत ही लोग मुझे पूछते हैं कि हमारा मोबाइल यहाँ से वर्किंग में नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर डाला है कि हमारा मोबाइल वर्किंग में है, तो वो देख कर लेते हैं भाई, यहाँ से मोबाइल अच्छे से चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपका मोबाइल लिया जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके भी पैसे काट लिए जाते हैं, उसके बाद टोटल प्राइस बनाकर आपको बताया जाता है। इस तरीके से सिंपल प्रोसेस है। तो इस तरीके से कोई भी आप मोबाइल सेल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपको आपके पास बिल बॉक्स चार्जर है ईयरफोन है इस तरीके से जो भी मोबाइल के आता है वो अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, लेकिन आपसे लिया जाता ही नहीं, यानी कि आपको देना ही है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, आप दे सकते हो नहीं तो नहीं दिया तो भी चलेगा, बिल बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मोबाइल फोन आप बेच सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, अगर आपके और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो कमेंट में बता देना, उसका भी रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लाते हैं उसको भी क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।